मॉर्निंग रूटीन, सेहतमंद जिंदगी के लिए सुबह की रूटीन, सुबह का जागना, दिन का आगाज, सुबह हाउ टू स्टार्ट डेली इन द मॉर्निंग, हाउ टू स्टार्ट द डे। मैं सुबह कैसे शुरू करता हूँ, मेरी सुबह का आगाज कैसे होता है, इस्लाम में सुबह के आगाज के मुतालिक क्या कहा गया है, कामयाब लोगों की सुबह का आगाज कैसे होता है, कामयाब लोगों की सुबह की रूटीन क्या होती है, मैं कैसे अपनी रूटीन में क्या तब्दीलियां लाऊं कि मैं कामयाब लोगों की तरह अपनी सुबह का आगाज कर सकूं। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सांटिया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कंप्लीट हेल्थी टिप्स। आज इस वीडियो में सुबह के बारे में कि वो कौन सी एक्टिविटियां हैं, वो कौन सी मसरूफियात हैं, वो कौन से काम हैं जिनको हम सुबह को करें ताकि हमारा पूरा दिन सेहतमंद तरीके से गुजरे, अच्छे मूड के साथ गुजरे और हम हेल्दी लाइफ का से लुत्फ़ अंदोज़ उठा सकें, लुत्फ ले सकें, हम दूसरे लोगों के साथ अच्छा रिलेशन पैदा कर सकें, हम अपनी ड्यूटी और अपने जॉब को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें, सुबह नाश्ता कैसा होना चाहिए ताकि पूरा दिन हम एनर्जेटिक रह सकें, सुबह में वो कौन कौन सी चीज़ें सुबह के वक्त करने वाली होती हैं जिससे हमारी सेहत पर अच्छे असरात पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस होंगी। इस वीडियो को आखिर तक देखना और अपने कमेंट्स और अपनी राय से ज़रूर मुझे नवाजना, मैं आपकी राय का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। तो सुबह बेसिकली रात के 12 बजे के बाद पीएम का टाइम के साथ लिखा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि सुबह स्टार्ट हो गई। लेकिन हमारे यहाँ सुबह जो है वो सुबह की अजान से शुरू होती है, सुबह की बात हो रही है। कुछ लोग अल्लाह के नेक आदमी, अल्लाह के बरगुजीदा लोग, वो सुबह और आधी रात के दरमियान में थोड़ा सा वक्त निकाल के जागते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं। ये वो इबादत होती है जिसमें उस आदमी के सवा और खुदा के सवा किसी को इल्म नहीं होता और ना ही किसी को बताना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी खराबियां ऐसा करते हैं जो हमारे और अल्लाह के दरमियान किसी को पता नहीं होता। इसी तरह हमें कुछ ऐसी इबादत भी करनी चाहिए जिसका हमारे अल्लाह और हमारे सवा किसी को इल्म नहीं होना चाहिए और ना ही इसकी एडवर्टाइज करनी चाहिए, ना ही इसकी तशहीर करनी चाहिए कि मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ। इसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए। रात को नींद करने के बाद, आधी रात के बाद थोड़ी देर के लिए जागना, वुजू करना और नवाफिल पढ़ के सो जाना, सुबह अजान के टाइम जागना। अब इसके मुतल्लिक कुछ लोगों की अलहदा अलहदा है कि कुछ लोग पहली अजान पे जाग पड़ते हैं, कुछ लोग आखिरी अजान तक जाग जाते हैं, क्योंकि पहली अजान जो है वो तहज्जुद की नमाज के फौरन बाद होती है, काफ़ी टाइम पड़ा होता है। जो आम रूटीन है, लोग सुबह अजान के बाद जागते हैं, अजान सुनकर जागते हैं, तो उसमें कौन कौन से काम हैं जो ही हमारी आंख खुले वो करने वाले हैं, सेहतमंद रूटीन क्या है, कामयाब लोगों की आदत क्या है, डॉक्टरी मेडिकल के हिसाब से क्या होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि सुबह जो ही आँख खुले तो उसी तरह बेड पर सोए हुए सबसे पहले मालिक का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने मुझे मौत के बाद, नींद के बाद जिंदगी दी, आज का दिन मुझे नसीब हुआ। और साथ ये खुद कलामी करें अपने आप से
कि आज का दिन बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज के दिन मेरे लिए हैप्पी फुल है, आज का दिन मैं बहुत सारे काम, इम्पोर्टेंट काम अपने निपटाऊंगा, आज का दिन मेरे लिए खुशियों वाला है। ये खुद कलामी थोड़ी सी करें अपने आप से, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें जिसने आज का दिन आपको इनायत किया है। क्योंकि आपके साथ जब हम सोते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग सोते हैं जो सुबह को नहीं जाग पड़ते क्योंकि उनकी रात के वक्त डेथ हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कायनात में सर्च करके देखिए। तो हमें सुबह को जिंदगी नसीब होना ये मालिक का खास करम है। सबसे पहले बिस्तर पर उठने से पहले ही मालिक का ये शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे आज का दिन इनायत किया, आज का दिन गिफ्ट किया, आज का दिन अता किया, मुझे चांस दिया तौबा का, मुझे नेकी का मौका दिया, मुझे अपने ज़रूरी काम निपटाने की मोहलत दी। कोई पता नहीं होता कि कल का दिन नसीब होगा या नहीं, एक तो ये बात है। दूसरी बात, सबसे पहले ये करने के बाद अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने जो कुछ आपको नियमतें दी हैं, आपको बॉडी, तंदुरुस्त बॉडी दी है, आपको सेहत दी है, आपको बहन भाई दिए हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। या अल्लाह मुझे घर भी दिया है और मुझे सोने के लिए नरम बिस्तर भी दिया है और मुझे प्यारे प्यारे रिश्ते भी दिए हैं, सेहत दी है और बहुत सारी ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरत से ज़्यादा मालिक तूने अदा की है, उसका इस तरह पर लेटे हुए दिल में ऐसा ऐसा ज़बान में शुक्र अदा करें। उसके बाद माँ बाप का शुक्रिया अदा करें, उसी बिस्तर पर लेटे हुए कि कहें कि या अल्लाह मैं अपने वालदैन का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बचपन में उस हालत में पाला जब मैं अपना बाजू तक अपनी मर्जी से नहीं ला सकता था, उस हालत में पाला जब मैं अपने वॉशरूम नहीं साफ कर सकता था, जब मैं बोल नहीं सकता था, उन्होंने मुझे तरबियत की, मुझे पाला, मुझे खिलाया, मुझे पिलाया, मेरी परवरिश की, मुझे कपड़े पहनाए, मुझे सोचने समझने की शऊर अता किया और मेरी परवरिश करके मुझे शादी की यार और अपने रिस्क और जायदाद से मुझे नवाजा। ये वालदैन का बिस्तर पर लेटे हुए थोड़ा सा चंद अल्फाज में शुक्रिया अदा करें। फिर उन उसातज़ा का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको ज़िंदगी में पढ़ाया, जिसकी वजह से आज आप अच्छे और बुरे की पहचान रखते हैं, कुछ अच्छे ओहदे पर जॉब करते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं। उन उसातज़ा का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करें जो फौत हो गए हैं, उनको के लिए दुआएं मगफरत करें। उसी तरह बिस्तर पर लेटे हुए मुख्तसर से फिर अपने उन मौसनों का शुक्रिया अदा करें जो ना के आपके वालदैन हैं ना ही उस्ताद हैं, बल्कि वो ऐसे मौसन हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे ताल्लुकदार हैं जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, आपके कारोबार को कामयाब होने के लिए, आपके मुख्तलिफ हवालों से आपका ताउन किया, आपके साथ आपकी मदद की और आपको कामयाब इंसान बनने में, आपके रोज़गार के सिलसिले में, आपकी शॉप के सिलसिले में, आपके खेतों के सिलसिले में उन्हें मदद की, उनका दिल में शुक्रिया अदा करें। उसके बाद उठ बैठे बिस्तर पर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को थोड़े सी मूव दे, गर्दन को यूँ फेर लें, यूँ कर लें, बाजू को, इस कंधे को हिलाएं, इस कंधे को हिलाएं, टांग को थोड़ी सी हरकत दें। ये ऐसा क्यों करेंगे आप? ताकि पूरे जिस्म का जो है ना आज़ा वो मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए, उनमें थोड़ी सी आप सोए पड़े थे, जिस्म पूरा जो है ना वो सुकून की हालत में था, अब उठने से पहले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को थोड़ा सा हिलाएं, हरकत दें ताकि जिस्म आपका मूवमेंट के लिए तैयार हो जाए। जब ये कर लें फिर बिस्तर से उठें और बिस्तर को लिपेटें। ये पहला नेक काम है, ये पहला अच्छा काम है जो आप करेंगे। बिस्तर से उठें और अपना बिस्तर, अपनी रजाई, अपना कंबल उसको झाड़ के लिपेटें। ये पहला अच्छा काम है जो आप बिस्तर से उठते हुए करेंगे, पहला, ये पहला स्टेप है, ये करें। उसके बाद शूज पहने और वॉशरूम में जाएं, हजत करें और अगर नहाने की आदत है तो गुसल करें, अगर नहीं तो वॉशरूम से होने के बाद फिर आ जाएं
ब्रश करें, दांत साफ करें। सफाई ईमान का बहुत बड़ा आधा हिस्सा है, क्योंकि आप अपने आप को तहारत और सफाई नहीं करेंगे तो ये आपकी शख्सियत, आपकी किरदार, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अपनी सेहत का बेहतर करना चाहते हैं तो सफाई की आदत अपनाएं, ब्रश करें, ब्रश करने के बाद मिसवाक करते हैं, मिसवाक करें। मिसवाक करने से ज़्यादा दांत मजबूत होते हैं, मिसवाक करने से मसूड़े मजबूत होते हैं, मिसवाक करने से दांतों का टेढ़ापन जो है ना वो ठीक होता है, मिसवाक करने से मुंह की स्मेल ख़त्म होती है और दांत साफ होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मिसवाक करने से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी होती है। मिसवाक करने के बाद वुज़ू करें, वुज़ू करने के बाद नमाज पढ़ें। हर आदमी अपने अपने मसलक के हिसाब से नमाज पढ़े, और ऐसे लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो मेडिटेशन करें, जो भी उनके मज़हब के मुताबिक है, मसलक के मुताबिक है। ख़वातीन घर में नमाज पढ़ती हैं, ख़वातीन के लिए घर में होता है। मर्द हज़रात नज़दीक मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में जो जा नहीं सकते वो घर में नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ें, सुनते पढ़ें, फ़र्ज नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद कुछ देर वहाँ बैठें और तस्बीह वगैरह, जिक्र वगैरह करें। वो करने के बाद घर वापस आकर कुछ देर कुरान पाक की तिलावत करें। सिर्फ तिलावत ना करें बल्कि कुरान पाक का तर्जमा इंतहाई तवज्जो के साथ पढ़ें। चाहे आप दो आयात भी पढ़ें लेकिन तर्जमे के साथ पढ़ें। कोशिश करें कि उस तर्जमे को समझने की कोशिश करें कि उन तर्जमे में अल्लाह पाक क्या कह रहा है, क्या हुक्म दे रहा है, मैंने उस पर कितनी हद तक अमल किया है। घर में ख्वातीन भी कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद तस्बीह, जिक्र, खुद कलामी जिसे कहते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक को जो है ना नमाज भी एक जिक्र की एक हालत है। नमाज में भी हम उसी का जिक्र करते हैं। जिक्र करें, कुरान पाक की तिलावत करें, इसको आम जबान में मेडिटेशन भी कहते हैं, गौर व फिक्र भी कहते हैं, कुछ लोग इसको खुद कलामी कहते हैं। तस्बीह को तस्बीह पढ़ें, और वक्त मर्द हजरात जो सेहतमंद हैं, जो चल सकते हैं, वो वाक पे जाएं सुबह। वाक के लिए औरतें भी वाक पे जाएं। अब देहातु शहरों में इस बात का रिवाज है, देहात में ये रिवाज इतना आम नहीं हुआ। शहरों में तो सब लोग घरों में ढके पड़े रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं। सुबह को उनको वक्त मिलता है, वाक पे जाते हैं। वाक के लिए बेहतरीन जगह कोई सड़क का किनारा, नहर का किनारा, कोई पार्क देख ले उस हिसाब से। जिनके पास वाक के लिए कोई सड़क या नहर का किनारा या पार्क नहीं है, वो घर की छत पे वाक कर लें, अपने घर के अंदर वाक कर लें। चलना मेन मकसद है, बॉडी को मूव करना, चलना। वाक के बहुत सारे फायदे होंगे। वाक करें, साथ तस्बीह पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें। जो बाहर वाक पे जाते हैं उनको मुख्तलिफ ग्रुप दोस्तों के मिल जाते हैं, उनसे हेलो हाय भी होती है और वाक भी कर लेते हैं ग्रुप की सूरत में, दो दोस्तों के मिलकर, और एक दूसरे के हाल हवाल भी हो जाता है। इसी तरह फीमेल भी एक ग्रुप की सूरत में जाती हैं, वाक कर लेती हैं। इससे उनका वाक करने से जोड़ हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ वज़न कम करने के लिए बहुत मुफीद है, दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। वाक से जो है शुगर कंट्रोल होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हार्ट शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनके लिए वाक ज़रूरी है, क्योंकि वाक करने से शुगर कम होती है, मूड फ्रेश होता है। दूसरा, सुबह सवेरे खुली हवा में जाकर गहरे गहरे सांस लें, इससे दम्मे की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी। गहरे सांस लेने से आपकी सांस की नालियां आपकी ठीक होंगी, आपका मूड फ्रेश होगा, और गहरे सांस लेने से आपकी आई साइड को फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि सुबह सुबह हवा में, फिज़ा में आलूदगी कम होती है। आप जब सुबह सुबह हवा में जाएंगे, फिज़ा में जाएंगे, सांस लेंगे तो फेफड़ों को सेहत मिलेगी, सांस की नालियां फ्रेश होंगी, और आंखों को सब्ज़ा देखने को मिलेगा। सुबह सुबह फितरी माहौल
और आलूदगी से पाक माहौल देखने को मिलेगा। आंखों की के लिए, ताजगी के लिए, बिनाई के लिए सुबह सवेरे सब्जा देखना, पार्क देखना, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह सुबह सवेरे आप मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, मुख्तलिफ़ बाहर निकलते हैं तो शहर में शोर शराबा नहीं होता, गाड़ियों का धुआं नहीं होता, सुबह के टाइम बेहतरीन घर बाहर जो है ना रोड पर, सड़क पर, नहर के किनारे, पार्क में एक कुदरती सुकून होता है जिसको देखकर आदमी जो है ना ज़हनी तौर पे कूल हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, उसका पूरे दिन के लिए जो है ना उसका मूड फ्रेश हो जाता है, आई साइड फ्रेश हो जाती है। सुबह सूरज तलू होने का नज़ारा, सुबह जो ही आप अगर वॉक पे जाते हैं, वॉक पे नहीं जाते तो अपने घर की छत से सुबह सूरज तलू होने का नज़ारा, ये किस्मत वालों को नसीब होता है। जो खुशकिस्मत लोग होते हैं वो सुबह सूरज को जगाने का जगाते हैं, यानी सुबह सूरज तलू होने से पहले सूरज के तलू होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, सुबह सूरज को जगा रहे होते हैं। इससे एक तो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है सूरज की, सुबह की रोशनी, विटामिन डी जो है सुबह की रोशनी जो है ना वो बहुत मुफीद है। और इसी तरह जो यरकान होता है उस यरकान को कंट्रोल करने के लिए सुबह की रोशनी की शुआएँ जो है ना वो भी बहुत मुफीद हैं जिगर के लिए। इसी तरह सुबह की रोशनी में गहरे सांस लेना, हवा में चलना, पुरफिजा हवा में चलना, वॉक करना, दौड़ना, ये आपकी सेहत के लिए, आपकी दिल की सेहत के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके फेफड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग जो ये नहीं कर सकते वो घर में थोड़ा सा मूव कर ले, घर की छत पर थोड़ा सा मूव कर ले। खवातीन जिन्होंने बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है उनके लिए यह है कि वो थोड़ा सा घर में चहलकदमी कर लें, घर की छत पे कर लें, थोड़ा सा गली में जो है ना कॉर्नर तक चले जाएं, वापस एक चक्कर लगा लें, इससे भी उनकी कुछ ना कुछ वाक हो जाती है। बेसिकली बहाना होता है अपने आप को मूव रखने का, साथ सवाब इसका ये होगा कि आप तस्बीह पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, क्योंकि अल्लाह पाक ने यह कहा है कि मेरा जिक्र करो रकू में, सजूद में, कयाम में, लेटे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, काम में। अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है और अल्लाह पाक उस आदमी की ज़िंदगी में खैर और बरकत अता करता है जो अपने ज़बान को हर वक्त उसके ज़िक्र से मुअत्तर रखता है। और इसका नमाज के और तिलावत के और इसके बाद जो ही हम घर की तरफ लौटते हैं तो ख़वातीन घर में आती हैं, किसी ने स्कूल जाना होता है उसके लिए तैयारी करानी होती है, किसी के स्कूल जाने के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, मर्द हजरात ऑफिस ड्यूटी शॉप जॉब पर जाने के लिए उन्होंने तैयारी करनी होती है, किसान हजरात जो है उन्होंने सुबह अपने खेतों में जाने के लिए निकलना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आम रूटीन है वो नाश्ता। अब वो आ गए वाक से आ जाते हैं, काम से थोड़ा बहुत आ जाते हैं तो वो सुबह नाश्ता देहात वाले लोगों का अलहदा बात है, वो बाद में करते हैं, पहले शहर वालों की बात कर रहे हैं। शहर वाले लोग सुबह वाक से आते हुए दूध दही छोले नान हलवा पूड़ी ये लेकर आते हैं, घर वालों ने कुछ खाना पकाया होता है, रोटियां पकाई होती हैं, परौठे पकाए होते हैं, कुछ लोग ब्रेड और स्लाइस से नाश्ता करते हैं, दही बेहतरीन हेल्दी नाश्ता जो है। अब नाश्ते में हम ये देखना है कि बच्चों का नाश्ता कैसा होना चाहिए, बड़ों का नाश्ता कैसा होना चाहिए, बुज़ुर्ग का नाश्ता कैसा होना चाहिए, ऐसा आदमी जो जॉब पे जा रहा है उसका नाश्ता कैसा होना, इसमें थोड़ा सा डिफर कर लें कि बच्चा जो स्कूल गोइंग जाए उसको नाश्ते में हम ऐसा देंगे खाना कि दोपहर तक उसको एक्टिव रखे, सेहतमंद रहे बच्चा, दही अंडा टोस्ट रोटी पराठा फ्रूट, ये सुबह उसको नाश्ते में रूटीन से न दें बल्कि किसी दिन कुछ दें किसी दिन कुछ। रोज़ाना का नाश्ता चेंज होना चाहिए और कलरफुल होना चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी, और उनको अच्छा नाश्ता दें, सेहतमंद नाश्ता दें, मुतवाजन नाश्ता दें, कभी दही से, कभी मक्खन से, कभी अंडे से, कभी टोस्ट से, कभी आमलेट से, कभी जो है ना जैम से,
और कभी घी से नाश्ता कराएं बच्चे को, उसके साथ फ्रूट भी दें। जो आदमी ड्यूटी पे जाना है उसका नाश्ता रोटी, दही, लस्सी, पक्की लस्सी और चाय, फ्रूट, आमलेट, अंडा, ये चीज़ें होती हैं। ये नाश्ता करने के बाद दफ्तर वाले दफ्तर चले जाएंगे, जॉब वाले जॉब पे चले जाएंगे, शॉप वाला शॉप पे चला जाएगा, बच्चे स्कूल की तरफ जाएंगे, स्कूल की तरफ जाएंगे बच्चे। बच्चों को दोपहर के लिए ख्वातीन को लंच बना के भी देना पड़ता है। लंच में बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ जो है ना, वो रोटी के साथ फ्रूट और कुछ स्वीट भी होनी चाहिए ताकि बच्चा शौक से खाए। बाजारी खानों के बजाय वो माँ अपनी माँ के बना हुआ लंच जो खाएगा वो हेल्दी चीज़ें होंगी। और बच्चे के खाने में, नाश्ते में अंडा ज़रूर शामिल करें। ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इश्यू नहीं है, ऐसे लोग जो हार्ट पेशेंट नहीं है, उनके लिए अंडा भी सुबह के नाश्ते में ज़रूर दें। ये हो गया उसके लिए नाश्ता। अब है बुज़ुर्गों के लिए, ऐसे बुज़ुर्ग जो घर बाबा बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, अम्मा जी बैठी हैं, उनके लिए नाश्ता उनकी तबीयत और उनकी हैसियत के मुताबिक होगा कि उनको कौन सी चीज़ सूट करती है। दही सूट करती है तो उनको दही के साथ नाश्ता दें, अंडा सूट करता है तो उनको अंडा फ्राई करके दें, अगर लस्सी के साथ खाते हैं तो लस्सी दें, अगर वो अपना छोले और नान वगैरह खाते हैं तो वो दें, या सालन रात का बच्चा हुआ है वो सालन दें, उनको हैवी नाश्ता दें, अच्छा नाश्ता दें, ताकि वो जो रात का खाली पेट है उसको एक भरपूर टॉनिक मिल सके। इसी तरह वो लोग जो गांव में रहते हैं, गांव वाले मर्द और ख्वातीन, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या होता है कि गांव की औरतें सुबह सवेरे उठती हैं, गांव की औरतें बिला नागा, मैंने ये नोट किया है क्योंकि कुछ अर्सा मैं गांव में रहा हूँ, तो वो सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले नमाज पढ़ती हैं। नमाज पढ़ने के बाद उनका बड़ा काम जो होता है वो घर के सहन में झाड़ू लगाना होता है, वो झाड़ू लगाती हैं। उसके बाद वो आटा गूंद के दूध, जो दही होता है वहाँ, वो उस दूध से, दही से मक्खन बनाती हैं, लस्सी बनाती हैं और साथ साथ रोटियां पकती रहती हैं, और जानवरों का, गाय भैंसों का दूध निकालती हैं। दूध निकालने के बाद ये सारा काम वो एक ही करती हैं। मर्द का काम वहाँ जो है ना कुछ और रूटीन का होता है। मर्द सुबह उठकर जानवरों को बाहर बांधता है, उनको घास डालता है और उनको जो है ना अपने खेतों में जाने के लिए अपना चीज़ों को संभालता है, वो इस हिसाब से तैयार होता है। औरतें सुबह सुबह नाश्ता तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर अपने शौहर को खाना टाइम पे दे के उनको नाश्ता, हैवी नाश्ता, कभी मक्खन के साथ, कभी दही के साथ, कभी लस्सी के साथ वो उनको देती हैं। देहात में लोग जो है ना रात का सालन या छोले वगैरह यूज़ नहीं करते, उनका सबसे बड़ा नाश्ता जो है वो दूध, लस्सी, दही, मक्खन होता है। रोटी आम पकी हुई, उसके ऊपर मक्खन का पेड़ा, ये देहात के लोगों का मनपसंद नाश्ता होता है। जो जब हम बच्चे थे, छोटे थे, उस वक्त हमारा मनपसंद नाश्ता पता है क्या होता था? उस वक्त बासी रोटी, रात की पकी बची हुई रोटी, रात की रोटी पे मक्खन रख के, मक्खन का पेड़ा और लस्सी का एक गिलास, पक्की लस्सी का, उससे नाश्ता करते थे और दोपहर तक भूख का नाम भी नहीं होता था, वो हेल्दी नाश्ता होता था। इस तरह अब देहातों में दूध लस्सी से नाश्ता करते हैं। चाय का रिवाज तो हर जगह पे आम हो चुका है। उसके बाद चाय पी कर लोग अपने अपने खेतों में, अपने अपने जॉब पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। ये देहात वालों का रूटीन है। देहात में लोग सुबह सुबह, देहात के ज़्यादातर लोग सुबह सुबह जो है अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, नमाज नहीं छोड़ते वो लोग। देहात वाले लोग शहरी लोगों की नस्बत ज़्यादा नमाज रोज़े के पाबंद होते हैं, सादा मिजाज होते हैं, सादा माहौल होता है, वो उस सादगी में अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, मर्द भी औरतें भी, चाहे उनकी तालीम हो या ना हो, वो नमाज रोज़ा नमाज पढ़ते हैं, सुबह सुबह तिलावत करते हैं, कुछ देर जिक्र करते हैं, फिर वो अपनी रोज़मर्रा की मामलात में, कारोबार में शरीक होते हैं और अपने काम पे जाते हैं। उसके मुकाबले में देहात की औरतें, उनका काम सुबह बच्चों को, शोहर को,
अपने अपने भेजे काम पे जाने के बाद उनका काम फिर स्टार्ट हो जाता है, घर की सफाई सुथराई, जानवरों की देखभाल, और दोपहर के लिए अरेंज करना, उनका एक पूरा दिन स्टार्ट हो जाता है। एक कोलू के बेल की तरह वो बेचारी सारा दिन चलती रहती है अपने रोज़मर्रा के मामलात में। इसके मुकाबले में एक दफ्तर का मुलाजिम जो दफ्तर में जिसने ड्यूटी करनी होती है वो क्या करता है, वो सुबह नमाज के बाद वाक के बाद घर आके नाश्ता करने के बाद वो चेंज करता है और शूज़ को देखता है, शूज़ को, क्योंकि उसको दफ्तर में ड्यूटी करनी होती है, वो अपने लिबास और शूज़ और अपने ड्रेस के मामले में थोड़ा सा एहसास होता है, अपने आप को मेंटेन करके जाता है दफ्तर। तो सुबह नाश्ता भरपूर तरीके से करता है क्योंकि उसको पता है कि 4 बजे से पहले मैंने वापस नहीं आना। 4 बजे तक वो दफ्तर में बैठकर बाज़ वक़्त किसी को चाय नसीब होती है और किसी को नहीं होती। कुछ इलाकों में देहातों में या कुछ ऐसे ऑफिस हैं जहाँ चाय नहीं होती, शहर के ऑफिस जितने भी हैं दफातर हैं वहाँ चाय का मिल जाती है, वो दोपहर के वक्त चाय वगैरह पी लेती हैं। इसके मुकाबले में औरत जो घर में बैठी है वो क्या करती है, वो सुबह का नाश्ता कराने के बाद घर वालों को बच्चों को अपने अपने स्कूल में भेजने के बाद, शोहर को जॉब पे भेजने के बाद, उसने तमाम बिस्तरे तमाम सफाई का काम बर्तनों का काम उसने संभालना होता है, देखना होता है, और दोपहर के लिए जो सब्ज़ी आई पड़ी होती है फिर उसको देखना, उसको पकाने का मनसूबाबंदी करना, वो इस तरीके से काम में जुट जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह पाक का जिक्र और फिक्र की बात हो रही थी, मेडिटेशन की हो रही थी, वो तमाम लोग चाहे वो देहात वाले हों या शहर वाले हों, वो अपनी सुबह का आगाज़ खुदा के नाम से करते हैं, अल्लाह पाक के जिक्र से करते हैं, नमाज से करते हैं। और कामयाब लोगों की मुतालिक ये है कि कामयाब लोग सुबह अजान से पहले जागते हैं, पहली अजान पे जाग जाते हैं और उठकर अल्लाह की इबादत में अल्लाह के जिक्र में शुरू हो जाते हैं और दिन के स्टार्ट के लिए अपनी मनसूबाबंदी वो रात को करके सोए होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज करना शुरू हो जाते हैं, लिबास को अपने चीज़ों को दिन के लिए जो उन्होंने जिस काम पे जिस ड्यूटी पे जिस जगह पे जाना होता है उस हिसाब से वो अपनी चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, सुबह सुबह तैयार हो जाते हैं। जो ही उनका नाश्ता ख़त्म होता है तो वो हर लिहाज से मुकम्मल होकर प्रिपेयर होकर वो अपने काम के लिए रेडी हो जाते हैं और यही बेहतरीन तरीका है। और कुछ लोग सुबह जल्दी तैयार हो जाते हैं और उनका अगर मौका मिल जाए तो वो 10 मिनट 5 मिनट आराम कर लेते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, नहीं तो अक्सर बेशतर नाश्ता करते करते लेट हो रही होती है, लोग नाश्ता करते ही अपनी गाड़ी पकड़ी अपनी सवारी पकड़ी अपनी मोटरसाइकिल पकड़ी और भागम भागम जो है ना दौड़ पड़े अपने काम की तरफ, तो ये सिलसिला चलता रहता है। दोस्तों मैं सुबह की अपनी जो है ना अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करता हूँ, मैंने आपके साथ ये बात चाहता हूँ मैं आपको शेयर करूँ। मैं आम तौर पे सुबह अजान के टाइम जागता हूँ और बिस्तर पर लेटे हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि मालिक तूने मुझे आज का दिन गिफ्ट किया, अता किया, मुझे मोहलत दी कुछ अच्छा करने की, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की, तौबा करने की। उधर बिस्तर पर लेटे हुए मैं अल्लाह पाक का आहिस्ता आहिस्ता ज़बान में जिक्र करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का कि अल्लाह पाक ने मुझे आज का दिन और दे दिया, और इस दिन को वेलकम कहता हूँ दिल ही दिल में कि ये दिन मेरे लिए बहुत खुशियों भरा है, बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन मैं बहुत खूब इंजॉय करूँगा। उसके बाद मैं अपने वालदैन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की, मुझे खिलाया पिलाया और मुझे जवान करके परवान चढ़ा के मुझे अजवाजी रिश्ते से मुंसलिक किया और अपनी प्रॉपर्टी अपनी जायदाद अपने रिस्क माल
अब मुझे वारिस बनाया, मुझे अता, और उसके बाद मैं अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया, मुझे अच्छे बुरे की तमीज़ बख्शी और मैं इस काबिल हुआ कि आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। इस बात का मैं अपने एक एक उस्ताद का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए दुआएं मगफरत करता हूँ, और जो इस दुनिया में हैं उनके घर बार की बरकत और ज़िंदगी की सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। और इसके बाद मैं अपने उन मौसमों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के नशेब व फराज में मदद की, मेरे साथ ताउन किया, वो दोस्त भी थे, वो रिश्तेदार भी थे, वो मुख्तलिफ मौसम भी थे, मुख्तलिफ हल्का अहबाब भी थे वाले लोग थे जिन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी के मामलात में बहुत ताउन किया, बहुत कोऑपरेट किया। मैं उनका गहबाना अपने ही सुबह का आगाज उनके शुक्रिया और उनके लिए नेक दुआओं और ख्वाहिशात के से करता हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर से उठ जाता हूँ, अपने बिस्तर को लपेटता हूँ और वुज़ू करके रब की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा करता हूँ, शुक्राना अदा करने के बाद कुछ देर मैं जिक्र मेडिटेशन में कुछ देर महव रहता हूँ, खुद कलामी करता हूँ, मालिक से बातें करता हूँ और बाद में कुछ देर मैं रेस्ट करता हूँ, आराम करता हूँ, क्योंकि उस वक्त अभी कुछ टाइम बाकी होता है। फिर बाहर जाकर थोड़ी सी वॉक करता हूँ, साथ ही मेरे नहर का किनारा मिल जाता है, सड़क मिल जाती है, वहाँ जो है ना कुछ देर चलकर वॉक करता हूँ। वॉक करने से हुए उस अजीम हस्ती का, उस अजीम रब का, उस खालिक कायनात का जिक्र करता रहता हूँ जिसने मुझे ये ज़िंदगी जैसी नेमत, सेहत जैसी नेमत, औलाद जैसी नेमत, हल्का अहबाब जैसी नेमत, तालीम और शऊर जैसी नेमत, अक्ल जैसी नेमत अदा की है, उसका शुक्र अदा करता हूँ जो कि मेरे बस में नहीं उसका शुक्र अदा करना, कि उसने मुझे इतना नवाजा है कि मैं गुमान भी नहीं कर सकता था। मैं उसकी किस किस नवाजिश का शुक्र अदा करूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी मैं उसकी पूरी तरह शुक्र अदा करने से कासर रहता हूँ। उसके बाद आते हुए दूध दही लेकर मैं घर में आता हूँ और घर वाले उस वक्त तक नमाज से फारिग होकर, कुरान पाक की तिलावत से फारिग होकर वो नाश्ते की तरफ आ चुकी होती हैं, तो मैं दूध दही लेकर जाता हूँ, फिर वो नाश्ता तैयार करने लग जाती हैं, बच्चों को भी नाश्ता कराया जाता है, मैं नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मैं अपने पोतों को उठाकर सड़कों पे अपनी गाड़ी पे उनको स्कूल ड्रॉप करते हुए जितनी खुशी मुझे उस वक्त होती है आप उसका गुमान भी नहीं कर सकते। मैं एक दिन ये बात कर रहा था, ये पिक मैंने लगाई अपने सोशल मीडिया पर अपने पोतों को रवाना करने की, किसी ने कहा कि ये आप दादाजी का बस काम ही तो यहीं रह जाता है इस उम्र में। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह पाक का इनाम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सआदत बख्शी है। पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इस सआदत से महरूम हैं, जिनको ये सआदत नसीब ही नहीं हुई कि वो अपने पोतों के साथ, अपने दोतों के साथ, अपने नवासों के साथ खेलते, उनके साथ प्यार करते, उनके लाड बर्दाश्त करते, उनकी बातें सुनते। ये एक खुदा की नेमत है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद को बस्ता, खुश होता, सहब औलाद होता देखने की तौफीक अदा करें। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे आ जाता हूँ, अपने काम पे आ जाता हूँ, यहाँ आकर मैं रोज़मर्रा के मामलात में मगन हो जाता हूँ। इस दौरान घर में दोपहर के लिए कुछ सब्ज़ी वगैरह खरीद कर देना, उस काम में भी मैं जो है ना अपनी ड्यूटी को पूरी तरह संभालता हूँ। फिर बच्चों को घर से यूनिवर्सिटी छोड़ना, यूनिवर्सिटी से घर छोड़ना, ये ड्यूटी करता हूँ। और इस दौरान चाय चलती रहती है, एक आध दफ़ा वो ले लेता हूँ। और वर्जिश
के हवाले से मैं अपने आप को हर वक्त मूव रखता हूँ। यही राज है मेरी सेहत का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ हर हिसाब से। अल्लाह पाक का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत बख्शी हुई है। और मैं भी आप लोगों से यही कहता हूँ कि अपने आप को हेल्थी रखने के लिए चलते फिरते रहे, रिटायरमेंट को रिटायर कर दें। वही लोग तंदुरुस्त रहते हैं जो रिटायरमेंट को रिटायर कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को रिटायर नहीं करते, रिटायरमेंट को रिटायर कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस उम्र में, मैं कहता हूँ यही गोल्डन एज है, ये ओल्ड एज नहीं है, ये गोल्डन एज है। ये इस उम्र की आपकी जो सुबह है वो बहुत बरकत वाली होती है। आप मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरी, मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है उसमें 25 से 35 साल वाले लोग ज़्यादा हैं। भाई आपकी यही उम्र है, आप जो बच्चों को करके दिखाएंगे बच्चे आपकी कॉपी करेंगे। आप बुक्स पढ़ते हैं बच्चे आपकी बुक्स पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ते हैं बच्चे आपकी कॉपी करेंगे, आप जो है वजू करते हैं बच्चे आपकी कॉपी करते हैं, आप घर में जैसा रवैया करते हैं बच्चे वहीं कॉपी करते हैं। तो अच्छा बिहेव करें, यही उम्र है। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खुराक, अच्छी खुराक लें और हेल्दी एक्टिविटी अपनाएं। हेल्दी आपकी सेहत आदतें होंगी तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी। अब देखते हैं कि दोपहर के खाने में अक्सर लोग क्या लेते हैं। दोपहर का खाना रूटीन के मुताबिक दफ्तर वाले लोग जो दफ्तर में रहते हैं अक्सर बेशतर वहाँ सिर्फ चाय चलती है, दोपहर का खाना नहीं होता। जो शॉप वाले हैं वो दोपहर का खाना धरा के लेते हैं। अक्सर बेशतर लोग दोपहर को किसी बच्चे को बिठाकर या किसी बच्चे को भेजकर घर से खाना वगैरह मंगवा लेते हैं और जॉब पे बैठकर शॉप पे बैठकर खाना खा लेते हैं। वो खाना हेल्दी खाना होता है। दोपहर का खाना इसलिए ज़रूरी होता है कि उस वक्त आपकी बॉडी एक्टिव हो चुकी होती है, आपको आधा दिन गुजारना होता है, उसके लिए आपको एक अच्छा सेहतमंद खाना चाहिए होता है। तो वो आपको एक्टिव भी रखता है, आप हेल्दी भी रहते हैं। दोपहर का खाना ज़रूर लेना चाहिए। इसी तरह दफ्तर वाले लोग दोपहर का खाना नहीं ले सकते अक्सर बेशतर, वो दोपहर के खाने के बजाय वो दोपहर को कोई चाय ले लेता है, कोई बिस्किट ले लेता है, आमतौर पे यूं ही गुजरता है। जब चलते हैं स्टूडेंट की तरफ, स्टूडेंट जो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं उनको आमतौर पे 2 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बजे छुट्टी होती है। वो अक्सर बेशतर बच्चे लंच साथ ले जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे लंच ले जाते हैं, बड़े बच्चे जो हैं उनको शर्म आती है साथ लंच ले जाते हुए, वो अपनी हद तक समझती हैं। हालांकि लंच ले जाना चाहिए दोपहर के टाइम 12 बजे के 1 बजे के करीब, उनको दोबारा उनकी बॉडी को ज़रूरत होती है खाने की, क्योंकि वो जो सुबह को उन्होंने नाश्ता किया था वो एनर्जी जो थी वो 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है। उस टाइम खाना ज़रूरी है, सेहत के लिए ज़रूरी है। हमारी बॉडी जो है ना अच्छा वर्क करती है, हमारा जब हमारी बॉडी में टॉन एनर्जी होती है तो हमारा दिमाग भी उस हिसाब से अच्छा काम करता है। हमारा अगर हमारी बॉडी में जो है ना वीकनेस हो तो हमारा दिमाग भी उतना एक्टिव नहीं रहता। उसके लिए बेहतरीन है कि दोपहर का लंच जो है ना वो ज़रूर लिया करें, बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर दिया करें। और 2 बजे के करीब 2:30 बजे के करीब अक्सर बच्चे शहर वाले जो है वो अपने घर में आ जाते हैं, बच्चे माँ उनकी खाना तैयार कर चुकी होती है जो हेल्दी फूड पे मुश्तमिल होता है, अच्छा खाना होता है। हर घर में हर आदमी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक खाना देते हैं बच्चों को। बच्चे स्कूल से वापस आते हुए वो खाना खाते हैं, कुछ बच्चों ने वापसी अकेडमी में जाना होता है, कुछ बच्चे जो है ना वो घर चेंज करने के बाद जो है उन्होंने घर में रहना होता है, उसी हिसाब से वो नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। जो दफ्तर वाले हजरात हैं वो 4 बजे के करीब आते हैं, किसी ने चाय पी ली, किसी ने बिस्किट खा लिए और खाना रात को इस्तेमाल होता है। आमतौर पर काम करने वाले लोग सुबह शाम के हिसाब से खाना खाते हैं। किसान की बात हो रही थी कि किसान क्या करते हैं। किसान दोपहर का खाना जो है 2 बजे के करीब, क्योंकि वो
हैवी ड्यूटी करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, ज़्यादा कोशिश वाला काम करते हैं, तो वो दोपहर को उनको भूख लगती है, वो दोपहर का खाना डट के खाते हैं, क्योंकि उन्होंने शाम तक ड्यूटी करनी होती है, शाम तक काम करना होता है। उसकी एक सादा सी मिसाल है कि आजकल जैसे मौसम है, अपना कमाद की कटाई हो रही है, गन्ने की कटाई हो रही है, मजदूर जो गन्ने में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, वो सख्त मुश्किल काम है, उसके लिए उनको भूख लगती है। वो सुबह सुबह कमाद को, गन्ने को काटने वाले लोग जो है ना, किसान जो है ना, वो सुबह सूर्य तलुम होने से पहले ही खेतों में चले जाते हैं, उनका नाश्ता टाइम से बन जाता है, हमारी तरह का नाश्ता नहीं होता, वो सूर्य तलुम होने से पहले खेतों में चले जाते हैं, वहाँ जो है ना वो अपना काम शुरू कर देते हैं, दोपहर को फिर वो जो है ना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद दोबारा काम को शुरू हो जाते हैं, कहीं मगरिब के टाइम उनकी जो है ना डे ख़त्म होता है, वो वापस आते हैं। ये है वो जो कमाद गन्ना वाले मजदूर जो है। अब वो मजदूर जो भट्ठे वगैरह पे काम करते हैं, वो खाना अपना साथ ले जाते हैं। आम तौर पे भट्ठे पे मजदूर जो है ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक वो होते हैं जो ईंटें बनाते हैं, वो तो सुबह सुबह अर्ली जाते हैं नाश्ता करके, और 12 बजे के 1-2 बजे के करीब वापस आ जाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो खाना खाते हैं और घर के काम काज में भी मसरूफ हो जाते हैं। दूसरे वो मजदूर होते हैं जो ईंटों का अंदर, भट्ठे के अंदर काम करते हैं, उनका भी यही काम है कि वो सुबह सुबह जाते हैं, दोपहर तक उनका काम भराई वगैरह ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने रोज़मर्रा के मामलों में घर आकर खाना खाकर मसरूफ हो जाते हैं। इसके मुकाबले में एक दुकानदार जो है, वो सुबह जाता है, दोपहर का खाना वो उधर बैठकर मंगवाता है या बाज़ार से ले लेके खा लेता है, और उसकी ड्यूटी भी शाम को 7-6 बजे ख़त्म होती है, वो शाम 6 बजे के करीब फिर वापस आता है और घर का खाना खाता है। एक कामयाब आदमी अपनी सुबह का आगाज़ किस तरीके से करता है? ऐसे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, वो अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं? मैंने ये काफ़ी रिसर्च, काफ़ी तहकीक के बाद ये बात जानी कि ऐसे लोग जो मुख्तलिफ इदारों के सीईओ हैं, बहुत बड़े ओहदों पर हैं, वो अपनी सुबह का आगाज़ अजान से शुरू करते हैं, और उठकर वुज़ू करना, गुसल करना, नहाना, उसके बाद नमाज, मेडिटेशन। हर मसलक वाले अपने अपने मसलक के मुताबिक खुदा का जिक्र करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, और कुछ लोग तिलावत करते हैं, और तिलावत करने के बाद वाक, वर्जिश, चाय, और फिर दफ्तर ड्यूटी और अपने काम पे जाने के लिए अपना जो प्लान होता है उसके मुताबिक तैयारी शुरू कर देते हैं, चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं, चीज़ों की तरतीब करना शुरू कर देते हैं, और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जिनके पास टाइम होता है वो सुबह वॉक पे चले जाते हैं, कुछ टाइम वॉक कर लेते हैं। जो कामयाब लोग हैं, वो उन्होंने अपनी हर एक टाइम को जो है ना मैनेज किया होता है, तरतीब दी हुई होती है, वो सुबह उनको प्रोग्राम बनाए होते हैं कि इतने बजे नमाज पढ़ेंगे, इतना टाइम वॉक करेंगे, इतने बजे आकर जो है ना चेंज करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, इतना टाइम नाश्ते पे लगाएंगे। उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए जो है ना रात को चीज़ें अरेंज करके रखी होती हैं, एक मंसूबे के तहत जो है ना शाम को सोने से पहले नेक्स्ट डे का प्लान उन्होंने बना के रखा होता है, फिर उसी हिसाब से जो है ना वो अपना जो प्लान पहले तरतीब दिया हुआ होता है उसके मुताबिक नाश्ता करके नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आमतौर पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रूटीन होती है। जो बड़े लोग हैं उनकी बात करूँ, कुछ लोग सुबह नाश्ते में फ्राई अंडा और नान और छोले लेते हैं, कुछ लोग सुबह नाश्ते में दही, अंडा और टोस्ट वगैरह लेते हैं, चाय लेते हैं, कुछ लोग पराठे, अंडा और चाय लेते हैं, कुछ लोग आम रोटी और दही लेते हैं और साथ लस्सी लेते हैं। अक्सर बेशतर लोग नाश्ते में सुबह दही और पराठा और चाय लेते हैं। ये हर आदमी की अपनी टेस्ट के मुताबिक है।
क्या लेता है। अक्सर बेशतर लोग सुबह नाश्ता इस तरीके से करते हैं कि एक तो नाश्ता हैवी ना हो, कि मैदे पे बोझ बन जाए, तबीयत बोझल बोझल सी हो जाए, और ना ही इतना लाइट हो कि पूरा दिन जो है ना उन्होंने शाम तक, दोपहर तक, 4 बजे तक उसी नाश्ते के साथ गुजारना होता है कि वो निढाल हो जाए। वो नाश्ता अच्छा करते हैं, हेल्दी लाइफ के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी नाश्ता ज़रूरी है। इसी तरह ये तो वो लोग हैं जो अच्छे ओहदों पे हैं, बहुत कामयाब लोग हैं, जिन्होंने अपना हर एक चीज़ डेवलप की हुई होती है उनके घर में, उनके यहाँ फ्रूट और दूसरी सहूलतों की कमी नहीं होती। उन्होंने अपना नाश्ता उसके बावजूद भी अच्छे तरीके से करके और मैनेज तरीके से करके और हेल्दी नाश्ता करके जाते हैं, ताकि दोपहर के बाद खाना का मौका मिले या ना मिले, हमारा बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, उसको किसी किस्म का सेहत के हवाले से प्रॉब्लम ना आए। पुराने बुजुर्ग हमारे जो आज आपको, आज भी हमसे ज्यादा सेहतमंद हैं, उन लोगों का सुबह का नाश्ता, उनकी सुबह की रूटीन ये होती थी कि वो पहली अजान पे जागते थे, उठ के जानवरों की देखभाल करना, उसके बाद मस्जिद में नमाज, नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक और जिक्र इबादत, उसके बाद फारिग होके उनकी ये रूटीन होती थी कि वो जानवरों को दोबारा देखभाल करते थे, घर में इतनी देर में नाश्ता घर वाले पकाने में मसरूफ़ होते थे, जो ही वो जानवरों की देखभाल से और अपने कारोबारी प्लान से फारिग होके आते थे तो घर में नाश्ता इंतज़ार कर रहा होता था। आमतौर पे देहातों में जो नाश्ता होता है, जिस लाइफ, जिस एज में मैं देहात में रहा हूँ, वहाँ नाश्ता सुबह सुबह रोटी, मक्खन, दही और पक्की लस्सी से होता था। ये बुज़ुर्ग ये चीज़ इस्तेमाल करते थे, वो रोटी, डेढ़ रोटी खा के मक्खन के साथ लस्सी पीकर, चाय का उस वक्त ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था लेकिन अब तो चाय है, वो चाय पीकर फिर अपने काम पे रवाना हो जाते हैं। ये एक सिलसिला अब है जो अभी चल रहा है। एक वो वक्त था जब हम छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त ये होता था कि सुबह का नाश्ता किए बगैर किसान लोग जो हैं वो खेतों में हल चलाने के लिए चले जाते थे, और औरत जो है सुबह दूध निकालती थी घर में, सुबह उठकर नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद मर्द नमाज पढ़ के खेतों में चला जाता था, और सुबह नमाज पढ़ने के बाद घर के काम में नाश्ता बनाने में शुरू हो जाती थी, बच्चों को नाश्ता कराने के बाद, स्कूल भेजने के बाद, वो अपने शोहर का घर के छोटे मोटे काम से मसरूफियत हो फारिग होकर शोहर का नाश्ता, जिसमें मक्खन, रोटी और लस्सी ये होता था, वो सर पे उठाए गड़वी लस्सी की हाथ बगल में लिए वो खेतों की तरफ रवाना हो जाती थी, जहाँ उसका शोहर खेतों में काम कर रहा होता था, वहाँ वो बैठकर शोहर को बुलाती, वो बैठकर नाश्ता करता, इस दौरान वो उनके आपस में गपशप भी हो जाती, बातचीत भी हो जाती, और शोहर जो है ना बैठ के काम करने के बजाय 10 मिनट बैठ के, आधा घंटा बैठ के नाश्ता कर लेता, फ्रेश हो जाता, वो फिर अपने काम में शुरू हो जाता, खेतों में औरत बर्तन लेकर घर आ जाती, वो आकर जानवरों की देखभाल के साथ साथ घर के मामलात को डील करती और दोपहर के लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो जाती, खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाती, साथ साथ जानवरों की देखभाल, उनको चारा डालना, उनको पानी डालना, उस काम में भी मसरूफ़ रहती, साथ साथ उनके यहाँ उस वक्त जो है वो सिस्टम नहीं था कपड़े धोने वाला, साथ धुलाई का भी छोटा मोटा काम जो होता था वो भी किसी के कपड़े धोने वाला काम है वो भी वही औरत करती थी, वहाँ नौकरानियों का राज नहीं था उस वक्त।
ये ध्यात की औरत की जो है ना सुबह कैसे होती थी, दोपहर तक वो अपने आप को कैसे मसरूफ रखती थी, किसान कैसे काम करता था और अब कैसे करता है, ये वो बात है। दौरे जदीद में अब जबकि इंसान बहुत मसरूफ हो गया है तो कुछ लड़के जो निकम्मे हैं काम नहीं करते, बताएं उनके दिन का आगाज क्या होता है। वो जनाब 10 बजे उठते हैं, 10 बजे उठ के दो चार अंगड़ाइयां लिया बिस्तर पर, पूछा माँ से, अम्मा नाश्ता है? माँ ने कहा जी काफी देर का पका हुआ है। वो नाश्ता उठे, आधा मुंह धोया, धोकर नाश्ता किया और चाय पी, चाय पीने के बाद मोबाइल उठाया, फिर जो है ना अपने दोस्तों की महफिल में। उनके दिन का आगाज ऐसे होता है। और ऐसे बच्चे जो अभी दौरे जदीद के मुताबिक न्यू टेक्नोलॉजी ऑनलाइन से काम कर रहे हैं, वो अपनी सुबह का आगाज कैसे करते हैं? अक्सर बेशतर बच्चों का ये जो बच्चे इस शोबे से वाबस्ता हैं जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, इन बच्चों का ज़्यादातर वक्त लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने गुजरता है। तो ये बच्चे अपनी सुबह का आगाज जो है वो आमतौर पर 9 बजे 8 बजे जागते हैं, रात देर तक जागते रहते हैं, किसी को सुबह की नमाज मिलती है किसी को नहीं मिलती। ये 8 बजे उठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर कोई सो गया, फिर कोई किसी काम से चला गया, ये अपनी उस ड्यूटी में मसरूफ हो जाते हैं। इसके मुकाबले में यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, वो अपनी सुबहों का आगाज़ क्या करते हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट कैसे होती है? अक्सर बेशतर बच्चे रात को देर तक मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, मोबाइल उनके सिराने के साथ पड़ा होता है, जो ही कोई बेल आती है, कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, उनकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो पुरसकून नींद से जो है ना महरूम रहते हैं। वो यूँ नहीं करते कि मोबाइल को साइलेंट कर दें, सुकून से सो जाएं, वो इस काम में लगे रहते हैं। सुबह देर से आँख खुलती है, यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, फिर वो उसी वक्त भागम भागम नाश्ता करते हैं, किसी ने चाय पी ली, किसी ने बिस्किट खा लिए और फिर यूनिवर्सिटी चले गए, खाना दोपहर को। हमें कैसा नाश्ता लेना चाहिए? नाश्ता एक तंदुरुस्त आदमी के लिए हेल्दी नाश्ता, ताकत से भरपूर मुतवाजन नाश्ते में क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए और सुबह का आगाज़ एक अच्छे इंसान को कैसे करना चाहिए? सुबह एक जो सुलझा हुआ आदमी है, जिसको हम गुड मैन कह सकते हैं, गुड सिटीजन कह सकते हैं, गुड मुस्लिम कह सकते हैं, अच्छा इंसान कह सकते हैं, उसे चाहिए कि सुबह सूरज को जगाए, यानी सूरज के तलू होने से पहले पहले जागे। वही लोग कामयाब होते हैं जो अर्ली जागने के आदी होते हैं, सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं। सुबह उठे, अपने अपने मसलक, अपने अपने मजहब, अपने अपने हिसाब से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, उसका जिक्र करें, मेडिटेशन करें और वजू करें, तहारत कर ले, अपनी सुबह का आगाज सूरज तलू होने से पहले शुरू कर दें। और बेहतर बात यह है कि सुबह की वाक ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपके दिमाग पर, आपकी सेहत पर, आपके जो पूरा दिन है, मसरूफियत है, आपके मूड पर एक बहुत अच्छा खुशगवार असर पड़ता है। सुबह वाक करने से आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है, मुस्बत सोचें आती हैं, इंसान अच्छा सोचने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह अल्लाह पाक की बेपनाह उसको फितरती चीज़ें नज़र आती हैं, हर तरफ एक सुकून सा होता है, शोर शराबा नहीं होता, फिज़ा साफ होती है। वो वाक करता है, साथ अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें तो बहुत मज़े की बात है। इसके साथ सुबह का जो है नहाना, सुबह के वक्त मौसम के मुताबिक, सर्दियों में बेशक आप हफ्ते में एक नहाना है, गर्मियों में रोज़ाना बाथ लें, फ्रेश हो जाता है आदमी बिल्कुल, ज़हनी तौर पे आदमी एक दफ़ा जो है ना बॉडी उसकी तमाम एक्टिव हो जाती है। सुबह नमाज पढ़ने के बाद, वाक करने के बाद सुबह गुस्ल कर लें, नहा लें, फ्रेश हो जाएं। अगर मौसम इजाज़त नहीं दे रहा तो आप कपड़े चेंज कर लें, साफ़ सुथरा लिबास, नीट क्लीन लिबास, शूज़, अपने ड्रेस और अपने लिबास को देखें,
जो आपके जॉब के मुताबिक, आपकी शॉप के मुताबिक, आपकी ड्यूटी के मुताबिक, आपके माहौल के मुताबिक हो, आपकी शख्सियत के मुताबिक हो, वो लिबास जेब तन करें। इसी तरह लिबास पर तवज्जो देने के साथ साथ फिर आप नाश्ते पे आए, नाश्ते में खुशी खुशी नाश्ता करें। नाश्ते में ये ना कहें कि ये क्या पकाया है, ये क्या चीज़ है, ये मैं नहीं खाता। उस खाने में नुक्स ना निकालें, इससे नेगेटिव थाट आती है, इंसान को वो चीज़ सही तरीके बॉडी में उसका असर नहीं होता। नाश्ता शौक से करें, जो चीज़ आपको पसंद है घर वालों को बता दिया करें। वो नाश्ता आमतौर पे कुछ लोग सुबह सुबह फ्राई अंडे से नाश्ता करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दही के साथ नाश्ता करना पसंद करते हैं, कुछ लोग आमलेट के साथ नाश्ता, जाम के साथ नाश्ता करना पसंद करते हैं, कुछ लोग पक्की लस्सी के साथ नाश्ता करना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूध के साथ नाश्ता करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नान छोले खाते हैं उनसे नाश्ता करते हैं। जो भी है आपका रूटीन, उस रूटीन के मुताबिक नाश्ता करें, भरपूर तरीके से नाश्ता करें, और साथ थोड़ा या ज़्यादा थोड़ा सा फ्रूट भी लें नाश्ते में, थोड़ा सा फ्रूट ज़रूर लें। इससे आप पूरे दिन की जो है ना, आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी, आपका खाना सही तरीके से हजम होगा। नाश्ते के फौरन बाद चाय पीते हैं, ये रूटीन अच्छी नहीं। नाश्ते में तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा ज़रूर रखें, क्योंकि हमारी मजबूरी ये होती है कि ड्यूटी पे, शॉप पे, जॉब पे जाने की लेट हो रही होती है, हम आखिरी लुकमा मुंह में होता है तो फौरी तौर पे चाय पकड़ लेते हैं। बेहतर ये है कि थोड़ा सा वक्फा कर लें, 10-15 मिनट का वक्फा कर लें। जितनी देर आप तैयार होते हैं, चीज़ें संभालते हैं, उतनी देर में चाय बन जाएगी, चाय लेंगे। चाहे सुबह की चाय आमतौर पे दूध वाली चाय लेते हैं, जो हमारा यहाँ आम रिवाज चल रहा है। सुबह की चाय अगर आप ग्रीन टी लें, या खाली पेट जो कुछ लोगों को आदत होती है बेड टी लेने की, यानी वो सुबह जो ही नमाज के लिए जागते हैं, घर वालों को जगाकर कहते हैं जी चाय, तो वो बेड टी जो है ना, वो बेहतर ये है कि ग्रीन टी लें। ग्रीन टी सुबह जो है वो आपके जिस्म की के अंदर जो फालतू मवाद हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें खून में शामिल हैं, मैदे का निज़ाम जो है, पेट की गैस का जो मसला है, वो सुबह खाली पेट ग्रीन टी लें तो वो तमाम चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है। इसी तरह वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनका जो है ना कोलेस्ट्रॉल का मसला है, खून काढ़ा है, उनके लिए ग्रीन टी बहुत बड़ी नेमत है। सुबह सुबह ग्रीन टी लें, और उसके बाद आम रूटीन में खाने के बाद जो चाय लें। बेहतर है कि जो मोटे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, जिनका कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, उनके लिए ग्रीन टी बहुत बेहतर है। ग्रीन टी लें, नहीं तो दूध वाली चाय लें। दूध वाली चाय ये ज़रूरी नहीं होता कि चाय जो है ना वो गर्म गर्म ही पीनी है, चाय को आराम से चुस्की लेकर पिए, और जितना सुकून से चाय पियेंगे उतना वो चाय आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। नाश्ते में हम देख रहे थे कि नाश्ते में आमतौर पे लोग बहुत जल्दी करते हैं नाश्ता करने की, बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरीके से खुराक को चबा भी नहीं पाते, सही तरीके से खाना खा भी नहीं पाते। नाश्ता पुरसकून तरीके से करें, खा नाश्ते को सही तरीके से चबा कर लुकमे को खाएँ, और साथ नाश्ते में मुख्तलिफ वैरायटी इस्तेमाल करें। मतलब रोज़ाना एक ही टाइप का नाश्ता ना करें, नाश्ते में तब्दीली लाएं, हर दूसरे तीसरे दिन नाश्ता चेंज होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हफ्ते में एक ब्रेक होती है, उस ब्रेक का मतलब है हफ्ते में जो एक छुट्टी होती है, 7 दिनों में एक जो छुट्टी आती है, उस छुट्टी का मेन मकसद यह है कि हम अपनी रूटीन को तोड़ दें। जो डेली हम रूटीन चल रही है नाश्ते की, ड्यूटी बजाने की, उठने की, काम करने की, एक दिन की छुट्टी का मतलब यह है कि वो तमाम रूटीन ख़त्म। हफ्ते में एक दिन अपने नाश्ते की रूटीन को चेंज करते, जो पहले जिस तरह नाश्ते करते थे उस तरीके से ना करें, जिस टाइम पे पहले नाश्ता करते थे उस टाइम पे ना करें, जिस टाइम जैसे सुबह को पहले चेंज होते थे उस तरीके से अपनी रूटीन को चेंज करें, ताकि आपके दिमाग को रिलैक्स मिले।
नाश्ते में मुख्तलिफ चीज़ें बदलते रहा करें। रोज़ाना एक ही टाइप का नाश्ता, चाहे आप देहात के रहने वाले हैं, चाहे आप शहर के रहने वाले हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप नौजवान हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप दफ्तर के बाबूजी हैं, अपना नाश्ता रोज़ाना एक ही टाइप का ना करें। कम अज़ कम रोज़ाना चेंज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन जो आता है उस दिन ज़रूर आपका नाश्ता डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले, आपकी बॉडी को पता चले, आपके दिमाग को पता चले कि ये ब्रेक है, रूटीन चेंज हो रही है। एक दिन के लिए वो अपनी तमाम रूटीन, तमाम आदत, तमाम जो शेड्यूल है उसको चेंज कर दे। खाने नाश्ते में कोशिश करें कि रंग बिरंगी कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए। ये औरत का काम है, घर वालों का काम है कि वो नाश्ते में कोशिश करें। बड़ों के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन बड़ों के छोटे बच्चों के लिए तो ऐसा ज़रूरी है कि उनका नाश्ता कलरफुल हो। कलरफुल होगा तो बच्चा शौक से नाश्ता करेगा, इंतहाई दिलचस्पी के साथ नाश्ता करेगा, और वो नाश्ता बच्चे के लिए ज़्यादा हेल्दी और बेनिफिट होता है, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सुबह कोशिश किया करें बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, मियां बीवी घर में सुबह के टाइम कोई भी छोटी मोटी बात हो तो उसको इग्नोर कर दिया करें, उसको बर्दाश्त कर लिया करें। क्योंकि सुबह के टाइम अगर खुदा न खास्ता घर में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए तो सारा दिन औरत का मूड भी ख़राब रहता है, बच्चों का मूड भी ख़राब रहता है, मर्द का मूड भी ख़राब रहता है। बजाय इसके कि एक दूसरे को सुबह सुबह हल्ट करें, एक दूसरे को सुबह सुबह टीज़ करें, तो सुबह की रूटीन में ये चीज़ शामिल कर ले। जिस तरह सुबह को नाश्ता करना ज़रूरी है, इस तरह सुबह के वक्त अच्छा बोलना, प्यार के बोल बोलना, ये भी बहुत ज़रूरी है। सुबह एक दूसरे से अच्छे तरीके से गुफ्तगू करें, प्यार से गुफ्तगू करें। बेहतर तो ये है कि एक दूसरे को अदब और एहतराम, मोहब्बत, मियाँ बीवी एक दूसरे को, बीवी को चाहिए कि शोहर को गेट तक ड्रॉप करे, और उसको अच्छे अल्फाज से, शोहर को भी चाहिए कि बीवी के बनाए हुए नाश्ते की, बीवी के लिबास की तारीफ़ करे। औरत को भी चाहिए कि ऐसे बोल बोले कि उसका मियाँ खुश होकर ऑफिस में जाए, उसका मूड खुश हो। क्योंकि अक्सर अवकात ये हमने सुनने में आया है कि अफसर जो है ना, कोई आदमी जो है ना, वो घर से लड़के आए तो ऑफिस में जॉब पे ड्यूटी पे वो किसी के गले पड़ जाता है। तो ये चीज़ों को बचने के लिए घर का माहौल, सुबह सुबह घर का माहौल कूल रखें, ठंडा रखें, हैप्पी हैप्पी रखें। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करना। थैंक्स, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।